और हमें रात भर के एकदम ठंडी वाला सफर करके अभी हमन पहुंचे हैं उदयपुर में। उदयपुर ऐसे ही कि अंबिकापुर वाले मेन रोड में पड़ते हैं और अंबिकापुर यहाँ से 40 किलोमीटर है। और उदयपुर में ही संगवारी हमारा एक मस्त जगह पता चले है, सीता भेंगरा जोगीमार गुफा। और ये डाल जाबो हमन, वहाँ बहुत प्राचीन नाट्यशाला है और ओला हमन दिखलातन, और बहुत फेमस है वो नाट्यशाला है। और यहाँ से करीबन उदयपुर से 2.5 किलोमीटर है। अभी हमन मेन रोड में ही खड़े अंबिकापुर वाले में, ये डाल जाबो अभी नाट्यशाला देखो और आप वाला भी दिखलातन। भाई गाड़ी जितना फड़फड़ फड़फड़ चला थे ना गरज भाई, कोई गाड़ी धीरे नहीं चला थी। देखो संगवारी हो, बोर्ड में कल लिखा है प्राचीन गुफाएं नाट्यशाला 2.6 किलोमीटर, राम वन गमन पथ महाकवि तुलसीदास की रचना स्थली। चलो बढ़ता ना मना आगे। संगवारी हो, मन हाईवे रोड से 2.5 किलोमीटर अंदर आहन और यहाँ देखो आप मल्ला, यहाँ पर महाकवि कालिदास जी की मूर्ति देखे पर मिल जाएगी। और यहीं पर ये देखो गेट, देखो आप क्या भव्य गेट है, देखो कितना भव्य गेट बने हैं। और यहीं से हमन जाबो अंदर, और यहाँ से हमारा करीबन 500 से 600 मीटर अंदर जाए लगी और गेट देखो। और यहीं पर आप मतलब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बोर्ड बनाए गए है, यहाँ पर कल जो महाकवि कालिदास जी है मेघदूतम रचना यहीं करे है। ये देखो ये तो घेरा लग गए है, आगे नहीं जा सकन, लेकिन यहीं से आप मन देख सकते हो यहाँ होकर बारे में पूरा डिटेल और जानकारी लिखे है, रामगढ़ पर्यटन स्थल विकास इसी करके। चलिए अब हमन चलथन आगे, आप मतलब गुफा दिखलाथन। और ये द्वार में जो बने ही ना डिज़ाइन, ये देखो क्या मस्त लगा है हमन, पूरा जो विभिन्न देवी देवता है और ये राम जी के जो चित्रण है, ये देखो जब राम जी नदी पार कर रहे थे केवट द्वारा वाले, इसी प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर डिटेल ऊपर हनुमान जी के इसे बने हुए हैं। चलो अब हमन बढ़थन आगे, हमारी गाड़ी आगे खड़े है और यहाँ ज़्यादा नहीं हार्डली हमारा 600 मीटर ही चले लगी। तो संगवारी अभी हमन वहाँ से इंटर करे हैं, यहाँ पर आप मतलब एक कार के नाकर मिली, यहाँ पर आप मतलब कुछ शुल्क देर लगी। ओकर बाद सबसे पहले आप मतलब मिली एक राम वाटिका, ये नया बने हैं या ये रिसोर्ट भी है, यहाँ पर आप मन रुक सकते हो। और यहाँ पर रुके चार्ज है 1000 रुपया 24 घंटा के, और इला आप मन ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और यहाँ आकर भी बुक कर सकते हो। और अंदर आप मतलब कैंटीन भी मिली, खाना खाए बार यहाँ सुविधा है, या तो अगर आप मन स्वयं खाना बनाना चाहते हो तो ऊपर अलग से चार्ज आप मतलब देर लगी। तो चलो हमन चलते हैं अंदर, राम वाटिका घुमाते हैं आप मतलब। और ये देखो कितना भव्य सुंदर से गेट बने हैं जय श्री राम करके। और यहाँ संगवारी आप मन अगर घूमे भी जा तो देखे बार ओकरो चार्ज है शायद 10 रुपया प्रति व्यक्ति, ये देखो लिखा है यहाँ पर। राम वाटिका अंदर घूमे पर भी अगर मन जाऊँ तो आप मतलब 10 रुपये चार्ज दे लगी, और सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक ये ओपन रही थे घूमे पर। चलो तो मैं आप मतलब अंदर से घुमाता हूँ और आप मन देख ले रहो, अगर कभी आप मन यहाँ आते हो और आप मतलब कुछ रुकना है तो आप मन यहाँ रुक सकते हो। ये देखो यहाँ पर पूरा शुल्क लिखे गए है। और संगवारी ये देखो यहाँ पर लिखे राम वन गमन पर्यटन परिपथ, बहुत प्यारा बनाए गए संगवारी हो। और सामने में आप मतलब भव्य प्रभु श्री राम जी की मूर्ति मिल जाएगी, कितना शानदार लगा थे। और एक बहुत प्यारा वाटिका बना है भाई। और ये है रिसोर्ट, देखो कितना भव्य रिसोर्ट है। और यहाँ पर आप मन 1000 रुपया 24 घंटा के चार्ज देके यहाँ पर आप रुक सकते हो, और कितना शांत वातावरण है, तो आप यहाँ फैमिली के साथ आके भी मस्त मनमोहक नज़ारा के आनंद ले सकते हो, साथ ही साथ गुफा भी देख सकते हो। ये देखो राम वन गमन पर्यटन परिपथ, और अभी भी तैयार होते नया गार्डन है, ये देखो इनका पूरा फूल वूल लगा थे। और ये है रिसोर्ट, इला मैं आप मतलब अंदर से भी दिखला दूँ थोड़ा देर में। और ये रहन भी छोटे छोटे कमरा बने हुए हैं, वो रहन वाशरूम है, वो देखो अलग अलग सब कमरा बने हुए हैं। ये हॉल हरे का कैंटीन हरे ना, ये है कैंटीन। चलो मैं आप मतलब कैंटीन दिखला देता हूँ, ये देखो ये यहाँ के कैंटीन है, आप मन यहाँ बैठ के खाना ना खा सकते हो और खाना बनवा सकते हो, बहुत प्यारा तरीका सजाया गया है भाई, बहुत सुंदर। और आओ प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा था ना आप मन ला, ये देखो जय श्री राम। और यहाँ पर आप मन ला चारों तरफ पूरा कॉटेज 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 देखे और मिल जाए, बहुत प्यारा और भव्य व्यू हो भाई। तो संगवारी हो अभी हमन राम वाटिका से निकलता है, अब हमन जाता नाट्यशाला डहाँ, वहाँ नाट्यशाला में आप मतलब
जो गुफा है वाला दिखला था। तो असने मोड चैनल में लगातार वीडियो देखा रहो, स्किप मत करो, अभी वीडियो बाकी है। अभी हमारे राम वाटिका में आ रहे हैं सर्वप्रथम, उसके बाद चलता है नाट्यशाला। तो संगवारी हो, ये देखो हमन पहुंच चुके हैं नाट्यशाला कर, और लोकेशन देख लो अपन, क्या प्यारा लोकेशन देखो, चारों तरफ आप मतलब जय श्री राम, चारों तरफ आप मतलब घना जंगल टाइप दिख जाए नज़ारा ये देखो। और ये जो मंच दिखा थे यहाँ पर, जब मड़ाई मेला होते हैं यहाँ, और मड़ाई मेला होते हैं यहाँ चैत नवरात्रि में होते ना विकास भाई, चैत नवरात्रि में मड़ाई मेला होते, तो स्टेज में प्रोग्राम होते और ये कर पूरा मेला लगे रही थे। और लोकेशन देख लो, बहुत प्यारा लोकेशन है, अभी मॉर्निंग के टाइम है। और ये देखो एक बोर्ड लगे है नाट्यशाला, तो हम नाट्यशाला डहन चलथन और आप मतलब दिखला थन। और काका है विकास भाई आओ, ये देखो क्या लगे, श्री राम वन गमन मार्ग चंदन मिट्टी सीता भेंगरा। और यहाँ पर नोटिस भी देखे पर मिल जाइए आप मतलब, आप इस संरक्षित स्मारक हरे, आगे जो मिली है मतलब संरक्षित स्मारक हरे, ये है जो अपन भारत सरकार द्वारा संरक्षित करेगी। और चलो हमन बढ़थन धीरे धीरे। दोस्तों आपको महाकवि तुलसीदास की रचना स्थली भी देखने को मिलेगी, यहीं बैठकर महाकवि कालिदास जी ने अपनी महान गाथा मेघदूत की रचना की है, जिससे उन्होंने प्रेमी प्रेमिका की विरह को दर्शाया है। रामगढ़ की पहाड़ी को देवगिरी रामगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अजंता एलोरा एलिफेंटा जैसे अत्यंत प्राचीन तथा रंगीन भित्ति चित्रों से सुसज्जित जोगीमार गुफा अपने पूर्व ऐतिहासिक धरोहर के लिए विख्यात है। भारत के प्राचीन गुफाओं में अपनी अलग पहचान छोड़ती यह गुफा भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के वन यात्रा तथा कालिदास जी के मेघदूत रचना के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में स्थित जोगीमार गुफा अपने प्राचीनतम रंगीन भित्ति चित्रों, जो लगभग तीसरी सदी के कल्पित रेखाओं से चित्रित हैं। अंबिकापुर से 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित जोगीमार गुफा पत्थरों से निर्मित विभिन्न चित्र को अंकित करती है। विभिन्न आकृतियां ब्राह्मी तहत मगधी लिपि की सब इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को अपनी ओर आकस्मक खींच लेती है। उदयपुर विकास खंड के ग्राम पूता में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में गुफा कुंड तथा प्राचीन मूर्तियां, बहुत सी धार्मिक एवं प्राकृतिक चीजें स्थित है, जिसे देखने यहां दूर दूर से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। सीता भेंगरा नाट्यशाला एशिया की प्राचीनतम तथा सबसे बड़ी नाट्यशाला सीता भेंगरा की गुफा में है, जो जोगीमारा गुफा के पास ही स्थित है। जोगीमारा गुफा के उत्तर दिशा में सीता भेंगरा नाट्यशाला पड़ता है। इसके कुछ ही दूरी में हाथी पोल नामक जगह भी दिखाई देता है, जहां से निरंतर पानी की धारा निकलती रहती है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि सीता भेंगरा या सीता बेगा गुफा में माता सीता कुछ समय के लिए निवास करती थी।
यहाँ स्थित भित्ति चित्रों में किसी तरह के धार्मिक चिन्हों और प्रतीक दिखाई नहीं देता, किंतु एक चित्र के अनुसार कृष्ण कथा की चित्र प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जोगी मार गुफा, यहाँ गुफा सम्राट अशोक कालीन कलाकृति है जो सम्राट अशोक के समय हुआ होगा। यह प्राप्त हुए अभिलेख के अनुवाद अनुसार द्वारा ऐसा माना जाता है कि देवदासी सूपनुका ने यहाँ स्थित शैल भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया होगा। किंवदंतियों के अनुसार रामगिरी के घने जंगलों वाले पहाड़ी में इस तरह की रंगीन और बेहतरीन कलाकृति किसने करवाई होगी? इसे सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इस देव पहाड़ी को छत्तीसगढ़ के लोग रामायण काल से भी जोड़कर देखते हैं। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तब इस जगह में कोरिया के सीतामढ़ी हर चौका से प्रवेश करके रामगढ़ के पहाड़ियों पर पहुंचा होगा। यहां से उन्होंने दंडकारण्य के विभिन्न स्थानों को कूच करते हुए कई वर्षों तक चित्रकूट में निवास किया। छत्तीसगढ़ के जंगलों को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने इस जगह को राम वन पथ गमन के लिए सुरक्षित कर रखा है। तो संगवारी हो, अब हमन यहाँ से निकलते हैं। आप माला ये नाट्यशाला कैसे लगी से आप मन मोला नीचे कमेंट करके बताओ, और अच्छी ब्लॉग ला मन यही कर समाप्त कर। आप माला अच्छा लगी सो ही तो आप मन जरूर एरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अपन संगवारी मन में। तो संगवारी हो, मन वीडियो देख ला आप माला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।